नमस्ते, स्वागत है आपका। मेरा नाम अखिलेश है। इस वक्त मैं बलिया में हूँ। बलिया का फेफना विधानसभा सीट है। फेफना विधानसभा सीट पर अखिलेश यादव की जनसभा होनी है और अखिलेश यादव की जनसभा होनी है और यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग आ चुके हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देखिए काफ़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। कुछ देर बाद अखिलेश यादव यहाँ पहुँचने वाले हैं। उससे पहले अखिलेश यादव के समर्थक, सपा के समर्थक, ओम प्रकाश राजभर के समर्थक, तमाम जो सहयोगी दल हैं सपा की, उनके समर्थक लोग की भीड़ जो है यहाँ जुटनी शुरू हो गई है। मंच स्थल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सामने मंच बना है और यहीं से अखिलेश यादव की जनसभा होनी है। काफ़ी संख्या में लोग सपा के, सुभाषपा के कार्यकर्ता काफ़ी संख्या में जमा हैं और आज अखिलेश यादव 3 सभाएं करने वाले हैं। काफ़ी संख्या में सपा के समर्थक भी हैं हमारे साथ। क्या लग रहा है इस बार प्रदेश में, कैसी है समाजवादी पार्टी की हवा? समाजवादी पार्टी 300 से ज़्यादा सीटें जीत कर आ रही है इस बार। हाँ। मैं फेफना विधानसभा क्षेत्र के छोटा सा गांव सूरापाली से हूँ और मैं वर्तमान में मैं गुणवाना गणतंत्र पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष होने के नाते मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये समान और हम सब दलित, वंचित, पिछड़े एवं हमारे जाति के जितने भी खरवार एवं गौड़ जाति के हमारे भाई बंधु यहाँ एकत्रित हुए हैं, हम यही कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आपकी यदि कोई समान की रक्षा करेगा तो माननीय अखिलेश यादव जी कर सकते हैं। कौन ऐसे ऐसे मुद्दे हैं, मुद्दों की बात करते हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर लोग समाजवादी पार्टी को वोट दें? ऐसा है कि हमारी जाति का मुद्दा है कि हम लोग 5 साल लगभग हो चुका है योगी सरकार की, भाजपा सरकार की, और हमको हमारी जात के भी, हमारे जितने भी वंचित छात्र, नवयुवक और जितने भी बेरोजगार हैं वो और छात्रवृत्ति से वंचित हैं और जाति प्रमाण पत्र न बनने के अभाव में कहीं भी हम लोग अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम खास तौर से अपने बिरादरी गोंड़ एवं खरवार के भाई, नौजवान साथियों एवं माताएं बहनों से मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि जितना भी हो सके आप अपने पड़ोस में, अच्छा, और अपने रिश्तेदारी में जितना भी हो ठीक है। आपकी बात है कि समाजवादी पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि समाजवादी की जब सरकार होती थी तो वो गुंडा राज की बात करती है बीजेपी। क्या लगता है उस छवि से कैसे समाजवादी पार्टी निकल? अच्छा, मान लेते हैं कि गुंडा राज है इनमें, और गुंडा राज नहीं है इसमें, चुन चुन कर खास तौर से मुस्लिमों के नाम पर ये लोग राजनीति कर रहे हैं, धर्म के नाम पर बांट रहे हैं, और इसमें ये जो सिंह जाति के हैं, क्षत्रिय जाति के जितने भी गुंडे हैं, उनको एक भी गुंडा का नाम ये लोग बता दे कि वो जेल में इस समय नहीं, इस राज, इस सरकार में भी गुंडा है। कुछ और लोग हैं, क्या नाम है आपका? कृष्ण यादव। क्या लग रहा है प्रदेश में इस बार कैसी स्थिति है समाजवादी पार्टी की? बहुत अच्छी स्थिति है, बेरोजगारी पर वोट हो रहा है इस बार, बेरोजगारी पे वोट। हाँ, रोजगारी सरकार, बीजेपी सरकार नहीं दे पाई बच्चों को, और तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो नहीं दे पाई। महिलाएं सुरक्षित नहीं है इस सरकार में। सपा सरकार आएगी तो सुरक्षा, सबको एक सम्मान दिया जाएगा। अच्छा, सर आप कहां से आए हैं? हाँ, यही घर है। यही जगह घर है। क्या लग रहा है, क्या होगा इस बार, कितनी सीट पा रही है समाजवादी पार्टी? हमारा देखने से बहुत अच्छा लग रहा है। देखने से अच्छा लग रहा है। प्रदेश भर में क्या लग रहा है और जगह से? उत्तर प्रदेश में इसका, हम गाड़ी चलाते हैं, हमारा गाड़ी पे बैठता है, सब लोग आता है कि पश्चिम से सपा सरकार के बनता है। और इधर कैसा माहौल है? ये और माहौल ठीक है। अच्छा, ये जो राजभर आए हैं गोंडवाना वाले के साथ गठबंधन हुआ, उसका कुछ फायदा होगा? हाँ, फायदा होगा। उसका फायदा होगा। हाँ, फायदा होगा। क्या नाम है आपका? नितेश यादव। क्या लग रहा है प्रदेश भर में किस तरह का समाजवादी पार्टी की इस बार? प्रदेश भर में पूर्ण बहुमत से सरकार समाजवादी पार्टी बना रही है, 300+ करके। हाँ हाँ जी, बहुत अच्छी स्थिति है यहाँ। हमारे विधायक संग्राम सिंह यादव
बहुत अच्छे वोट बैंपर वोट से जीत रहे हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी की बात करती है तो आखिर पब्लिक किन मुद्दों पर समाजवादी पार्टी को वोट? क्योंकि समाजवादी पार्टी अच्छे और अपने वादों को पूर्ण करती है, जो वादे करती है वो पूर्ण करती है। बीजेपी की सरकार की तरह अपने वादे झूठे वादे करके ऐसा नहीं करती है। आप भी समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पहुँचे हैं, क्या लग रहा है इस बार प्रदेश भर में कितनी सीटें समाजवादी पार्टी? इस बार ज्यादा सीटें निकलेगी सपा से। कितनी सीटें? ज्यादा सीटें निकलेगी, जितना ज्यादा सीटें सपा की निकलेगी। ये भाजपा में ज्यादा लफड़ा है, माननीय उपेंद्र तिवारी जी गरीबों को तरसाते हैं, अच्छा अमीरों को सपोर्ट करते हैं थाना में या बीजेपी सरकार अमीरों। चाची कहाँ आई हैं, किस क्या होगा इस बार यूपी में? बोर्ड मैंने दौरा तो बैठे टूटल वगीर गोल बनी। हाँ, अखिलेश यादव आएंगे क्या सर, मुख्यमंत्री बनेंगे? अब ये बोनो। हाँ, अखिलेश यादव को सुनने आई हैं? कुछ नहीं करे वाला। आपको कुछ नहीं मिला? ना, कुछ करे वाला केहू नहीं के धरती पर। हाँ, ये जीती से अपना खातिर बाटे। केहू जीती तो अपने खातिर बा, हमनी के गुण हम जा। हाँ, गुण बिरादर के कोनो चीज बनते नहीं थे। अच्छा, इस बार गोट बिरादर जो है किसको वोट कर रहा है? हाँ? किसको वोट कर रहा है इस बार? अब जे करे के जे दियवाई ओकरा पर दियबे करी आदमी, जिसको दिलाएंगे वो दिलेंगे। हाँ, जेकरा पर कही के जेकरा पर वोट दिहल तो देवे करो जा। तो यहाँ समाजवादी पार्टी की रैली में आए लोगों का कहना है कि इस बार अखिलेश यादव की हवा चल रही है और समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है।